Hi everyone, welcome to my channel. Asmita Cook Fan Fiction. Rude arrogant boy pretend to be a lovely boyfriend come, but nine start करने वाली हूँ तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं. टांग अपनी क्लास खत्म करके जब हॉल रूम से जा रहा था तब टांग देखता है जंगकुक भी उसकी तरफ ही आ रहा था. तब टांग स्माइल करके जंगकुक की तरफ जाने लगता है. तब जंगकुक टांग की तरफ सिर्फ कोल्डली देखने लगता है क्योंकि वो लोग अब पब्लिक प्लेस पर था और इस वजह से जंगकुक कोल्ड था और टांग को ये पता है. पर जंगकुक की तरफ देख कर ही टांग कह सकता है कि जंगकुक खुद भी अपने दिल से खुश है. फिर टांग जब जा ही रहा था तभी अचानक से एक अनजान बॉय आकर टांग के हाथ को पकड़ लेता है और टांग को खींचते हुए उसके साथ ले जाने लगता है. तब टांग कॉन्फ्यूज था और उसके हाथ से छुटकारा पाने की ट्राई करता है पर वो बॉय टांग को नहीं छोड़ता है और उसे खींचते हुए ले जाने लगता है. तब जंगकुक कॉन्फ्यूज था कि असल में क्या हो रहा था. वो ये तो नहीं सुन पाया था कि असल में टांग उसके साथ जाना नहीं चाहता था और वो बॉय टांग को अपने साथ फोर्सफुली ले जा रहा था. तब जंगकुक उसके बाद भी टांग को फॉलो करता है और जंगकुक टांग को फॉलो करते हुए एक खाली रूम की तरफ चला जाता है. वहाँ पर जाने के बाद जंगकुक रूम के अंदर से टांग की पहले चिल्लाने की आवाज़ सुनता है. फिर जंगकुक जब डोर को ओपन करता है तब वो देखता है वो बॉय जो फोर्सफुली टांग को किस कर रहा था. तब इसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर सीधा उस बॉय को टांग के पास से अलग कर देता है और उसे एक जोर से पंच मार देता है. तब वो बॉय सीधा जाकर फ्लोर पर गिर जाता है. तब टांग जब जंगकुक को देखता है तब तुरंत वो जंगकुक के पीछे जाकर छुप जाता है और अपने शेकिंग वॉइस में कहता है इसे मेरे पास से दूर हटाओ, ये मुझे फोर्स करने की ट्राई कर रहा था. तब वो बॉय तुरंत फ्लोर से उठते हुए कहते हैं टांग क्या बोल रहे हो तुम खुद जो मुझे कल ये सब कुछ बोले थे कि मुझे तुम्हारे साथ ये करना होगा वो भी मिस्टर जून के सामने, और अगर मैं नहीं करती हूँ तो फिर तुम मुझे इस यूनिवर्सिटी से हर तरह से बाहर निकाल दोगे और मैं यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे स्टडी करना है यहाँ पर. तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप की वजह से पढ़ाई कर रही हूँ और तुम इसके फ़ायदा ले रहे हो और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, इसी वजह से मैं ऐसा किया हो. तुम क्यों अब मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम क्यों अब सेटिस्फाइड नहीं हो? और ये कहकर वो बॉय जो नीचे की तरफ देखने लगता है. तब जंगकुक टांग की तरफ देखता है. तब टांग तुरंत कहता है नहीं, मैं तुम्हें तो जानती भी नहीं हूँ तो फिर तुम कैसे सब कुछ कह सकते हो, प्लीज़ ऐसा बातें मत करो, तुम झूठ क्यों कह रहे हो? तब वो बॉय कहता है प्लीज़ मिस्टर जून मेरी बातों पर ट्रस्ट कीजिए, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, अगर आपको मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप चेक कीजिए, मैं स्कॉलरशिप की मदद से ही स्टडी कर रही हूँ. तब जंगकुक टांग को अपनी कोल वॉइस में कहता है ये क्या सच है? तब टांग तुरंत कहता है नहीं, मैं सच कह रही हूँ जंगकुक, मेरी बातों पर ट्रस्ट करो, मैं क्यों ऐसा करूँगी, तुम मुझे जानते हो ना? तब जंगकुक एक भी आंसर नहीं करता है और उस बॉय को अपनी कोल वॉइस में कहता है यहाँ से चले जाओ. तब वो कहते थैंक यू सो मच मिस्टर जोन मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, और ये कहकर वो वहाँ से जाने ही वाला था पर फिर से रुक जाता है और फिर से कहता है प्लीज़ मिस्टर जोन आप क्या किम टांग को समझ सकते हैं कि वो मेरे साथ दोबारा ऐसा ना करे, मैं एक पुअर इंसान हूँ जो यहाँ पर स्कॉलरशिप की मदद से स्टडी कर रहा है तो फिर इसके मतलब ये नहीं कि इसकी कोई भी फ़ायदा ले लेगा, प्लीज़ मिस्टर जोन उसे समझाने की ट्राई कीजिए, आप तो पावरफुल इंसान है उससे भी ज़्यादा, तो फिर प्लीज़ मेरी जगह को. तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहता है यहाँ से सिर्फ जाओ मैं संभाल लूँगी. तब वो बॉय हाँ कह देता है और उसके बाद फिर से जंगकुक को थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है. तब जंगकुक टांग को अपनी कोल वॉइस में कहता है तुम सच में इतनी ज़्यादा नीचे नाम सकते हो टांग, मैं ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज़्यादा नीचे नाम जाओगे, तुम्हें सच में क्या किसी को अपनी बेड पर इतनी ज़्यादा बुरी तरह से चाहिए, बोलो मैं तुम्हें मेरे साथ लेकर जा सकती हूँ, तुम्हें बेड पर बहुत ही बुरी तरह से सेटिस्फाइड करूँगी और उसके बाद देखती हूँ कि तुम्हें और कितने लोग चाहिए. तब टांग रोते हुए कहते हैं प्लीज़ मेरी बातों पर ट्रस्ट कर, तुम जो भी कुछ सुने हो सब कुछ झूठ है, प्लीज़ मेरी बातों को सुनो. तब ये सुनकर जंगकुक अपनी कोल वॉइस में कहते हैं मैं घर में जा रही हूँ, तुम सच में अपने लिमिट के बाहर चले गए हो, अगर सच में तुम्हें इंटीमेट होना है तो फिर मुझे बोल देते, मुझे नहीं पता था कि किम टांग एक स्लट निकलेगा जो आसपास सोने के लिए इतनी ज़्यादा क्रेजी हो रहा है. और ये कहकर जंगकुक गुस्से से जो वहाँ से चला जाता है.
तब तंग के आहिस्ते आंसू गिरने लगता है कि जंगू कैसे उसे इतनी सावधानी से सोच सकता है। और तंग जो सैड होकर खुद भी जंगू को फॉलो करता है और एक पपी की तरह जंगू को मनाने की ट्राई करता है और उसके पीछे पीछे घूमने लगता है। फिर जंगू जाकर सीधा गुस्से में अपनी कार में बैठ जाता है। तब तंग बाहर से कहता है प्लीज, तभी जंगू कहता है कार में बैठो। तब तंग बिना कोई बात किए चुपचाप जाकर कार में बैठ जाता है, पर फिर भी वो अपने धीमी आवाज में कहता है प्लीज़ मेरी बातों पर ट्रस्ट करो। तब जंगू कोई भी आंसर नहीं करता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा फंस ले कार को ड्राइव करने लगता है। तब तंग बहुत ही ज़्यादा डर गया था और वो डरते हुए कहता है प्लीज़ सोली कार को ड्राइव करो। तब जंगू और भी ज़्यादा कार की स्पीड को बढ़ा देता है। तब तंग और भी ज़्यादा डरने लगता है और वो जंगू को बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है, पर जंगू तंग की एक भी बातें तक नहीं सुनता है। और पूरे 20 मिनट बाद जाकर वो लोग जंगू के घर में पहुंच जाता है। तब जंगू कार को रोक देता है और उसके बाद जंगू गुस्से से कार से बाहर निकलते हुए सीधा अपनी मेंशन के अंदर चला जाता है। तब तंग जो अपने आंसू भरी आइस के साथ जंगू के एक पपी की तरह फिर से फॉलो करने लगता है और उसे फॉलो करते हुए खुद भी मेंशन के अंदर चला जाता है। तब मेंशन में जाने के बाद ही तंग जो और भी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि जंगू गुस्से से मेंशन की हॉल रूम में सब कुछ तोड़ने लगता है। तब तंग जो घबरा तो है सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है और रोने लगता है। तब मिस ली जो अपने रूम में कुछ वर्क कर रहा था, पर वो जब बाहर से इतनी ज़्यादा शोर शराबा सुनता है तब वो जल्दी से बाहर आ जाता है। और वो आने के बाद जो देखता है कि जंगू रूम की सब कुछ तोड़ रहा था, तब इसे देखकर मिस ली पहले शॉक था, पर तंग की हालत को देखकर वो स्मार करता है और स्मार करते हुए कहता है जो भी हो सब कुछ अच्छा ही है। और वो ये उस पर करके कहकर फिर से जंगू की तरफ देखने लगता है। फिर जंगू गुस्से में कहता है तुम कल से घर से बिल्कुल भी नहीं निकलोगे, तुम्हारी हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। तब तंग इस सुनकर पूरी तरह से शॉक हो गया था कि जंगू कसम में क्या बोल रहा है, वो कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया है। तब जंगू गुस्से से चिल्ला कर कहता है अब अपने ये सारे झूठी आंसू बहाना बंद करके चुपचाप अगर अपनी रूम में जाओगे यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। डिड यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहा हूँ। तब तंग बिना कोई आंसर के चुपचाप रूम की तरफ चला जाता है। तब जंगू गुस्से में फिर से चिल्ला कर कहता है अभी 10 मिनट के अंदर यहाँ पर सब कुछ क्लीन हो जाना चाहिए। और जंगू सरबिन के ऊपर इस चिल्ला कर कहकर जो खुद भी गुस्से से अपनी स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। तंग रूम में जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा सैड था कि जंगू कैसे किसी की बातों पर ट्रस्ट कर सकता है, वो भी झूठी बातों पर। और ये बात तंग को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा था। फिर पूरे 1 घंटे बाद जाकर जंगू की गुस्सा जो शांत हो जाता है और वो टाइम चेक करके देखता है कि अब ऑलरेडी लंच ब्रेक के टाइम भी चला गया था और तंग शायद लंच ब्रेक नहीं किया है तो फिर आप उन लोगों को लंच कर लेना चाहिए। और जंगू उसके बाद जो तंग को बुलाने के लिए चला जाता है और वो जब अपने रूम में जाता है तब वो जाकर देखता है कि रूम की डोर जो अंदर से लॉक था। तब जंगू को अपनी कॉल वॉइस में कहता है रूम की डोर अभी अनलॉक करो। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगू फिर से कहता है मैं अभी कहा हूँ रूम की डोर अनलॉक करो। तब तंग फिर से जंगू के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जल्दी से जाकर रूम की डोर को अनलॉक कर देता है। तब तंग जो नीचे की तरफ देखने लगता है तब जंगू अपने कॉल बॉयज में कहता है चलो लंच करना है, ऑलरेडी टाइम चला गया है। तब तंग अपने शेकिंग बॉयज में कहता है मुझे नहीं करना। और ये कहकर तंग जाकर सीधा बेड पर फिर से लेट जाता है। तब इसे देखकर जंगू को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए कहता है अभी जाओगे या फिर नहीं। तब तंग कहता है मैं नहीं जाऊँगी, जाओ यहाँ से। तब जंगू कहता है मेरे साथ अभी चलो, तुम्हारी ये सारे एक्टिंग मैं और नहीं देख सकती। तब तंग जंगू की तरफ देखता है और वो बेड से उठते हुए जंगू के करीब जाने लगता है। तंग की आइस बहुत ही ज़्यादा रेड था, उसकी नोस भी रेड हो गया था सिर्फ रोने की वजह से। तब जंगू अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ तंग की तरफ देखने लगता है। जंगू को दिल से बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था पर वो तंग को ये बात बिल्कुल भी नहीं बोलता है। तब तंग जो हिस्की उठाते हुए कहता है मैं एक्टिंग करती हूँ ना तो फिर करने दो, मैं हर वक्त ही एक्टिंग करती हूँ ना, तुम्हें ऐसा ही लगता है? तुम कैसे कह सकते हो कि मैं कोई बॉय को
इस तरह से ऑफर करूंगी, इस तरह से ब्लैकमेल करूंगी, तुम किसी की बातों पर भी ट्रस्ट कर लोगे? तुम इतने ही मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो? लव में हमेशा ट्रस्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, पर तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते हो। ओ इंसान, तुम्हें क्या कह दिया है और तुम उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया हो? सच में तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। तुम्हारी जैसे लाइफ पार्टनर शायद हर किसी को मिल जाए तो फिर सब लोग समझ पाएगा कि लाइफ फेल बनाना किसे कहते हैं। तुम मेरे ऊपर कभी भी ट्रस्ट किया ही नहीं हो, मैं अब समझ सकती हूँ। तुम सच में बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस हो जंकू। मैं अब रिग्रेट कर रही हूँ तुमसे शादी करके। तुम क्यों पहले अपनी इस साइड को नहीं दिखा सकते थे? तुम मुझे कैसे वो हार्ड वर्ड कह सकते हो कि मैं हर वक्त इधर उधर लोगों के साथ सोने के लिए घूमता रहती हूँ? सच में मैं तुम्हें इस तरह की पर्सन लगती हूँ। आई नो कि तुम रेडी नहीं हो मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए। मैं तुम्हें फोर्स करती हूँ, मैं तुम्हें सजेस्ट करने की ट्राई करती हूँ, नहीं करते हो ना, तो फिर तुम कैसे ये सारे वर्ड कह सकते हो? तुम कैसे मेरे बारे में ये सारे बातों को सोच सकते हो? बोलो, अगर यही इतनी ज़्यादा नीस तुम्हारी थॉट है तो फिर मेरे साथ क्यों रह रहे हो? तुम सच में बुरा पर्सन हो, मेरे बारे में फिक्र मत करो। अरे कहकर त्यांगश अपने आंसू को बहुत ही ज़्यादा हार्शली पोंछ लेता है। तब जंगकुक अपने इमोशनल लेस फेस के साथ फिर से कहता है, चलो लंच करना है। तब तंग गुस्से से कहता है, तुम सच में हार्टलेस हो, तुम्हारी बातें मैं और नहीं सुन सकती हूँ। तुम क्या मेरी बातों को समझ नहीं पाते हो? मैं तुम्हें अभी क्या कहा था कि मैं लंच नहीं करूँगी, मैं अब अकेला रहूँगी। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मैं अकेला रह जाऊँ, क्योंकि तुम मेरी साथ कभी भी रह ही नहीं सकते हो। मेरी पेरेंट्स को छोड़कर शायद मैं रिग्रेट किया हो कि मैं मेरी पेरेंट्स को छोड़ दिया हो सिर्फ तुम्हारी वजह से। जो इंसान मुझे इतनी ज़्यादा इतनी नीच तरह की इंसान समझता है, कम से कम मेरी पेरेंट्स तो मुझे इतनी ज़्यादा नीच तो नहीं समझता है। तब जंगकुक ये सुनकर गुस्से में अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और कहते हैं, दोबारा से रिपीट करना। तब ताऊंग कहते हैं, क्या रिपीट करूँ, बोलो, तुम मुझे ये सारे वर्ड कहे हो या फिर नहीं? अगर नहीं कहा हो तो फिर चलो मैं मान लेती हूँ, पर तुम मुझे सब कुछ कहा हो और मुझे याद है, और उसके बाद भी मैं एक पपी की तरह जो तुम्हें मनाने की ट्राई कर रहा था, पर तुम बिल्कुल भी मुझे डिजर्व नहीं करते हो। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो फिर मैं तभी तुम्हारे साथ ये सब कुछ तोड़ सकती थी, पर मैं रहना चाहती थी, इस वजह से मैं इतने टाइम से तुम्हारे पीछे पीछे एक पपी की तरह घूम रहा था। पर फिर भी तुम इतने ज़्यादा रूड थे, तुम मुझे अपनी वही आंटी के सामने मुझे इतनी ज़्यादा बुरी तरह से मुझे डांटा हो, सिर्फ वही नहीं बल्कि इस घर के हर एक सरबिन के सामने भी और यूनिवर्सिटी में भी। मैं क्या करूं, बोलो, उसके बाद भी तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूं, भूल जाओ। और ये कहकर त्योंग जो जंगकुक की तरफ और नहीं देखता है। तब जंगकुक जो गुस्से में त्योंग के हाथ को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लेता है और उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए अपने डीप वॉइस में कहते हैं, तो फिर तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें क्या बोलूं, बोलो। तब त्योंग कहते हैं, सिर्फ मेरे सामने से चले जाओ। तब जंगकुक कहते हैं, इसी वजह से तुम अपने पेरेंट्स को सो रहे थे? तब ताऊंग कहते हैं, मैं जिसके लिए सो रहा था वो अब नहीं रहा। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने काम वॉइस में कहने की ट्राई करते हुए कहता है, अगर तुम्हें आकर कोई कहेगा कि मैं कोई गर्ल को मेरे साथ रहने के लिए फोर्स किया हो या तो कोई बॉय को मेरे साथ रहने के लिए फोर्स किया हो, तो फिर तुम्हें कैसा फील होगा, बोलो? तुम्हें क्या अच्छा लगेगा और तुम क्या तब अपनी माइंड में रह पाओगे? आई नो मैं मेरी आउट ऑफ कंट्रोल में चले गई थी, तो फिर मैं क्या करूँ, बोलो? अगर मैं मेरी आउट ऑफ माइंड में चले जाती हूँ तो फिर कोई भी अब मुझे नहीं रोक सकता है, मेरी मन जो कह रहा था मैं सिर्फ वही कहा हूँ। तब गुस्से से कहता है, तो फिर तुम्हारी मन हमेशा मुझे यही सारे वर्ड कहने के लिए तरसता था कि कब तुम मुझे यही सारे वर्ड कहोगे? तब जंगकुक गुस्से में कहता है, तुम अब झगड़े को बढ़ा रहे हो, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, ये सिर्फ मेरा गुस्सा था और कुछ भी नहीं। तब ताऊंग कहते हैं, और तुम अपनी गुस्सा मेरे ऊपर निकालोगी ये सारे वर्ड के जरिए? तुम मुझे डांट सकते थे पर तुम्हें मुझे एक नहीं कहना चाहिए था। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं, तो फिर मुझे तुमसे माफ़ी मांगना चाहिए? तब ताऊंग कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम जो क्या हो वो मेरी ट्रस्ट को तोड़ दिया है, क्योंकि गुस्से में आकर सब लोग सच कह देता है, शायद तुम मुझे यही कहना चाहते थे हमेशा से। तब ताऊंग की बातों को सुनकर जंगकुक इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो फिर से अपने आउट ऑफ माइंड में जा रहा था। तब ताऊंग गुस्से में जंगकुक के सिर पर स्लैप मारते हुए कहते हैं, मुझे छोड़ो, मुझे अब जाना है।
तब जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए तांग के लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है और तांग को पूरी तरह से चुप करा देता है। तब तांग फिर से बातें करने की ट्राई करता है पर वो एक भी वर्ड तक बोल नहीं पाता है। और वो जब देखता है कि जंगकुक उसे सोने की हालत में नहीं है तब तांग एंड में जाकर हार मान लेता है। तब जंगकुक जो तांग को तब तक किस करता है जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है। फिर किस ब्रेक करने के बाद जंगकुक अपने धीमी आवाज़ में कहता है, आई एम सॉरी, अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा बुरा लगा है तो फिर मुझे भी पनिश करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर इस तरह से बातें मत करो, मुझे नहीं पसंद, मैं जेलस थी और जेलस से मैं आकर सब लोग कुछ भी कर देता है। तब तांग गुस्से में कहते हैं, मेरे पास से दूर रहो। तब जंगकुक कहते हैं, प्लीज़ ये मत कहो। तब तांग कहते हैं, रियली? तब जंगकुक कहते हैं, हाँ। तब तांग कहते हैं, ठीक है, तुम सच में चाहते हो ना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, तो फिर याद रखो कि तुम दोबारा से कभी भी अपनी गुस्सा मेरे ऊपर नहीं दिखा सकते। तब जंगकुक कहते हैं, नहीं दिखाऊंगी। तब तांग कहते हैं, और मेरे लिए इस सारे वर्ड बिल्कुल भी यूज़ मत करना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब जंगकुक कहते हैं, होल लाइफ में भी नहीं करूँगी, प्रॉमिस। तब तांग कहते हैं, ओके। तब जंगकुक कहते हैं, अब लंच के लिए चले। तब तांग सोली हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक स्माइल करता है और तांग को बैड स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है। तब जंगकुक के ये बिहेवियर को देखकर तांग रेड हो जाता है और कहता है, मुझे छोड़ो। तब जंगकुक कहता है, सबको दिखाने दो कि मैं तुमसे कितने ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ये कहकर जंगकुक जो तांग को लेकर नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद जब सब लोग जंगकुक और तांग की इस हालत में देखते हैं तब सब लोग शॉक था क्योंकि कुछ देर पहले जंगकुक तांग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था पर अब दोनों फिर से ही बहुत ही ज़्यादा स्वीट बन गया था और एक दूसरे की प्यार को शो कर रहा था। तब इसे देखकर मिसेस ली फिर से गुस्से में आ जाता है कि क्यों फिर से जंगकुक कैसा कर रहा है। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि उन लोगों की प्लान पूरी तरह से वेस्ट हो गया है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।